हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पेशल काजू कतली। उसके लिए हमें चाहिए सिंक दाना, जो हम लेंगे लगभग 500 ग्राम, और उसी के साथ एक कटोरी हम लेंगे काजू। सिंक दाने को हम हल्की आंच पे गरम करेंगे। एक कढ़ाई में सिंक दाना हम डाल देंगे और इनको हल्की आंच पे गरम करेंगे। गरम करने से जो इनके छिलटे हैं वो आसानी से अलग हो जाएंगे। इनसे जाने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम एक साफ कपड़े पर डाल देंगे। गए हैं इनके छिलटे अलग हो रहे हैं। इस प्रकार से हम इन सिंक दाने को अच्छी तरह बेल लेंगे। कपड़ा थोड़ा सा खुरदरा होना चाहिए, जिसके कारण छिलटे आसानी से उतर सके। दिखाई देगी मूंगफली। अब हम ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से, जिसमें हम काजू भी साथ में ऐड कर देंगे। मिक्सर जार में हम इनको डाल लेंगे और शुरू करेंगे अभी पीसना। ये इसका पेस्ट बनना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा और पीसेंगे। कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार मिलता है। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसमें एक बड़ी कटोरी चीनी डाल लेंगे। मीडियम आंच पे इसको गर्म होने देंगे और उसी साइज की कटोरी में एक कटोरी पानी ले लेंगे और वो इसमें डाल लेंगे, जिससे कि अपनी चाशनी तैयार हो जाएगी। चाशनी एक तार वाली होनी चाहिए। हमारा पेस्ट कुछ इस तरीके से तैयार दिखाई देगा आपको। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। हम एक फॉइल पेपर लेंगे और उस पर बटर लगा देंगे, और एक बेलन लेंगे, उस पर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। और जो पेस्ट तैयार हो रहा है उसे हम उस फॉइल पेपर पर डाल देंगे। अब देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। पता करने के लिए हाथ में लेके थोड़ा सा इसको गोली बना के आप देख सकते हैं। अगर गोली आसानी से बन रही है तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम फॉइल पेपर पर उड़ेल देंगे। आराम से, धीरे धीरे। अब देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। पता करने के लिए हाथ में लेके थोड़ा सा इसको गोली बना के आप देख सकते हैं। अगर गोली आसानी से बन रही है तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम फॉइल पेपर पर उड़ेल देंगे। आराम से, धीरे धीरे। फॉइल पेपर पर अब इसका हम एक बड़ा सा लोया बना लेंगे, इस प्रकार से, कुछ जैसे हम आटे को करते हैं उसी प्रकार से। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे अच्छी तरह से।
बेलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर एक चाकू की सहायता से हम इसे काट लेंगे, जिससे कि ये कतली का शेप दिखाई दे, आसानी से बन जाए। ये देखिए, इस प्रकार से काट लेंगे। को पलटा कर तिरछा भी काट लेंगे। ये इस प्रकार से दिखेगी हमारी कतली। बाजार से भी अच्छी बनी है। थोड़ी देर इसको ठंडा होने के बाद हम टेस्ट करके भी देख लेंगे। अगर आपके पास वर्क पेपर अवेलेबल है तो आप वो भी इस पर लगा सकते हैं।